हाँ भाई फाइनल ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ ये जो डायग्राम है ये शो करता है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ फीडिंग, अगर आप लोगों को एलिमेंट्री सिस्टम समझ में आया था तो बस एलिमेंट्री कैनाल के जैसे ही आपका ये है मैकेनिज्म। इसमें क्या करते हैं, जो हर्डमानिया है इसका मैकेनिज्म शो होता है सिलियरी मैकेनिज्म की जैसा। ठीक है, सिलियरी मैकेनिज्म से मतलब है कि इसमें हर्डमानिया में क्या होता है, जो सीलिया होते हैं, ठीक है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, उसमें थोड़ी सी हलचल होती है। ठीक है, तो उनकी वजह से क्या होगा, जो वाटर करंट है वो ब्रैंकियल साइफन के थ्रू, मतलब ब्रैंकियल अपर्चर के थ्रू कहाँ जाएगा, इस हर्डमानिया में एंट्री करता है। ठीक है, किसके थ्रू करता है ये करता है ब्रैंकियल अपर्चर के थ्रू, ब्रैंकियल अपर्चर या फिर माउथ, आप जो चाहे कहें। तो ये सब चीज होता है सीलिया की वजह से। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिलियरी मैकेनिज्म बोलते हैं। अब फूड जो है वो कहाँ जाएगा, सीधे उसके बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी के नीचे प्रेजेंट होता है प्री ब्रैंकियल जोन, ये देखें, एंड ब्रैंकियल जोन है ना। इससे पहले ये ब्रैंके, ये दिख रहा है ना आपको प्री ब्रैंकियल जोन, यहाँ पर एक टेंटिकुलर रिंग प्रेजेंट रहती है। क्या प्रेजेंट रहती है, टेंटिकुलर रिंग, जो किसका काम करती है, एक छलनी का काम करती है, सीव का काम करती है। तो यहां से जैसे ही वाटर करंट अंदर जाता है वैसे ही वो टेंटिकुलर रिंग जो होगी, ये टेंटिकुलर रिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिज्म को अंदर आने देगी, उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर आने देगी जिसे ये इनटेक करना चाहता है या फिर इनको इजीली इनटेक कर सकता है जो वाटर में है। ठीक है, सिर्फ उन्हीं को अंदर आने देती है, बाकी सबको यहाँ के रोक देती है। ठीक है, ये फंक्शन किसका होता है, टेंटिकुलर रिंग का होता है। अब उसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है, पेरिफेरेंजियल बैंड। वो प्री ब्रैंकियल जोन और ब्रैंकियल जोन इन दोनों को अलग करता है। इसीलिए देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है प्री ब्रैंकियल जोन और ये है आपका ब्रैंकियल जोन। ठीक है, ब्रैंकियल जोन में क्या प्रेजेंट रहते हैं, ये स्टिग्मा कल बताए थे। ठीक है, अब जैसे ही खाना है, मतलब जो भी इसने खाया है, जैसे ही इसका फूड मटेरियल नीचे की तरफ जाएगा ब्रैंकियल जोन में, वैसे ही इसमें क्या चीज प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ पे एंडोस्टाइल, ये देखें एंडोस्टाइल है ये। ठीक है, ये एंडोस्टाइल अब करता क्या है, ये एंडोस्टाइल इसके खाने में जो इसने खाया होता है उसमें कुछ अपना म्यूकस जो भी है, भाई इस ये भी तो कुछ ना कुछ चीज सीक्रेट करेगा। मैंने कहा था कि ये चीजें आगे आपको पता चलेगी, मैकेनिज्म में एंडोस्टाइल का फंक्शन। तो इसका मेन फंक्शन यही होता है, अगर आप लोगों को इसका डायग्राम याद हो तो मैंने कुछ इस टाइप से बनाया था, है ना, इसमें सिनेरी बताए थे। तो ये क्या करता है एंडोस्टाइल, ये उस खाने के साथ अपना म्यूकस मिला देता है। ठीक है, म्यूकस मिला देगा और यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहती है, वेसल्स प्रेजेंट रहती है स्टिग्मा के साथ, और साथ में प्रेजेंट होते हैं सीलिया। यहाँ पर ब्रैंकियल सैक में कुछ सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये सीलिया का फंक्शन क्या होता है, जो ब्रैंकियल सैक में है, कि ये इसमें से सिर्फ और सिर्फ वाटर को तो बाहर आने देंगे लेकिन जो उनके फूड मटेरियल है उनको बाहर नहीं आने, उन्हें ये अपने यही अंदर रोक लेते हैं ब्रैंकियल सैक के अंदर। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ये यहाँ ये मैंने फंक्शन बताया है इसके अंदर, यहाँ पर जो सीलिया प्रेजेंट है वो, ठीक है, वो इस टाइप का फंक्शन शो करते हैं कि सिर्फ वाटर को बाहर आने देंगे, बाकी जो क्या चीज रहती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो अंदर ही रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद ही जो एंडोस्टाइल होता है, ये एंडोस्टाइल क्या करता है, ये एंडोस्टाइल इस खाने को जो इसने खाया है, जो इसके ब्रैंकियल सैक में है, उसके साथ अपना म्यूकस को इस तरह मिला देता है और उसको एक गोल लड्डू बना देता है। उसका जो स्ट्रक्चर होता है हल्का सा गोल हो जाता है, कहते हैं लसलसा टाइप। ठीक है, तो किसकी वजह से होता है,
एंडोस्टाइल की वजह से ही होता है। फिर ये एंडोस्टाइल ने जो इसमें म्यूकस मिलाया होता है, ये म्यूकस फूड मटेरियल कहाँ जाएगा? ईसोफेगस ओपनिंग में, यहाँ ठीक है, ईसोफेगस में जाएगा। ईसोफेगस में से होता हुआ कहाँ जाएगा? सीधे स्टमक में। और स्टमक में क्या चीज काम करती है? मेन अगर हम बात करें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, तो मेनली हाँ अभी बस कह तो रही हूँ, ये ऐसे ऐसे चक्कर चक्कर से कर रही थी ऐसे ऐसे, पता नहीं समझ गई हूँ, दो मिनट के लिए पता, कुछ सेकंड्स के लिए पता नहीं चला मुझे। हाँ भाई फाइनल ईयर, तो हम बात कर रहे थे आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। मुझे नहीं पता भाई वीडियो तुम्हारी कहाँ रुक गई है, तो आप थोड़ा सा एक बार स्टार्टिंग से समझ लें इसको। इसमें होता क्या है कि वाटर करंट इसमें स्टार्ट होगा, ठीक है। वाटर करंट किसकी वजह से होता है? सिलियरी मैकेनिज्म की वजह से। सिलियरी मैकेनिज्म मतलब सीलिया जो प्रेजेंट होंगे इसमें, वो बहुत तेजी से उनमें हलचल होती है, जिसकी वजह से वाटर करंट उत्पन्न होगा, और वो किस में जाएगा? ब्रैंकियल अपर्चर में जाएगा। ब्रैंकियल अपर्चर के थ्रू कहा जाएगा? उसके ब्रैंकियल साइफन में, ठीक है। इस ब्रैंकियल साइफन का हम चाहे बक्कल कैविटी गए, बक्कल कैविटी के नीचे क्या प्रेजेंट होती है? टेंटिकुलर रिंग प्रेजेंट होती है, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है? छलनी की तरह होता है, जो मतलब छानने का काम करता है। तो इसने क्या किया टेंटिकुलर रिंग ने, कि उसने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों को जाने दिया जिन्हें ये हर्डमानिया इनटेक करना चाहता था, बाकी सबको उसने वहीं से रिपेल कर दिया। अब क्या होता है, ये टेंटिकुलर रिंग के बाद जो आपकी क्या चीज स्टार्ट होती है? प्री ब्रैंकियल जोन एंड ब्रैंकियल जोन। देखें आप, प्री ब्रैंकियल जोन, ब्रैंकियल जोन के जस्ट ऊपर का पार्ट जो है, दैट इज अ प्री ब्रैंकियल जोन, और ब्रैंकियल सैक जो है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रैंकियल जोन, ठीक है। अब क्या होता है, ब्रैंकियल सैक में स्टिग्मा प्रेजेंट रहते हैं, ये कल बताया था डायग्राम। तो इसमें कितने होते हैं अप्रॉक्स? इसमें होते हैं लगभग 2 लाख, मतलब 2 लाख के समथिंग स्टिग्मा प्रेजेंट रहेंगे। इनका फंक्शन क्या होता है? इसमें कुछ सीलिया प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? सीलिया। तो ये क्या काम करते हैं? सिर्फ और सिर्फ वाटर को अपने में से बाहर आने देते हैं, बाकी सबको मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसको अपने से बाहर नहीं आने देते, उसको अपने ब्रैंकियल सैक में ही रोक लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इसके अंदर क्या रुक चुके हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एंडोस्टाइल क्या चीज सीक्रेट करता है? एक म्यूकस सीक्रेट करता है, और ये म्यूकस उस खाने के साथ मिल जाएगा अच्छे से, और क्या बना देता है उसको? एक लड्डू जैसा शेप में, मतलब उसको एक बहुत मस्त सा थोड़ा म्यूकस मटेरियल बना देगा, ठीक है। फिर वो एंडोस्टाइल से जब मिल जाता है उस फूड के साथ, तब वो कहाँ जाएगा? ईसोफेगस में। ईसोफेगस के थ्रू डायरेक्ट उसके स्टमक में, स्टमक में आकर मिलता है आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड। और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हम यहाँ पढ़ते हैं ना, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं 2 टाइप्स के, फर्स्ट इज लिवर, सेकेंड इज पाइलोरिक ग्लैंड। तो ये जो लिवर होता है क्लास, मेनली ये काम करता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के उस पर, ठीक है। कैसे काम करेगा ये? जैसे आप लोग जानते हैं कि लिवर का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? एमाइलेज, प्रोटीएज, है ना, इन सबको वो डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपके लिवर की, ठीक है, तो किस तरह से काम करेगा ये?
ये एमाइलेज प्रोटीएज इन एंजाइम्स को सीक्रेट करता है और कहाँ पर पहुंचाएगा, उसे पहुंचाता है इनके स्टमक में। ठीक है, आप लोगों को भी डायग्राम बताया था ना, यहाँ पे दो लोग। तो यहाँ पर जो क्या प्रेजेंट रहते हैं, अपर्चर, अपर्चर की नंबर बताए थे अभी, लेफ्ट लोब में 9 अपर्चर प्रेजेंट रहते हैं और राइट में 2 अपर्चर। तो इन्हीं की वजह से ये जो एंजाइम्स होते हैं, एमाइलेज प्रोटीएज, ठीक है, वो सब चीज कहाँ जाते हैं, सीधे स्टमक में जाएंगे और वहां पर उनका डाइजेस्ट करेंगे। भाई मेनली डाइजेशन कहाँ होता है, मेनली डाइजेशन होता है आपका स्टमक में, और स्टमक में भी किसके थ्रू होगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के थ्रू होगा। मैंने अभी बताया था पाइलोरिक ग्लैंड का जो है अभी तक फंक्शन अच्छे से पता नहीं है, इसे हम ये मान के चलते हैं ये कैसा है, पैनक्रियाटिक है नेचर। इस वजह से इसे हम मानते हैं एज अ एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसे हम मेनली डाइजेस्टिव ग्लैंड ना मानते हुए क्या मानते हैं, एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड, मतलब ये सिर्फ वो हेल्प करने का काम करता है डाइजेशन का, डाइजेशन में, बाकी उसका मेन रोल सिर्फ लिवर का ही होता है। ठीक है, उसके बाद जब ये जो आप उसने खाया होता है, ठीक है, उसके जो फूड मटेरियल है वो स्टमक से कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में कैसी वॉल्स होती हैं, थोड़ी सी थिक वॉल प्रेजेंट होगी, उसमें 2 लोब्स प्रेजेंट थे। तो वो आगे जाकर जो फूड मटेरियल है कहाँ, फिर उसके आगे जाएगा, बना हुआ है हाँ, रेक्टम में, ठीक है, और रेक्टम के बाद में वो एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये है इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म, क्लियर हुआ। फाइनल ईयर जवाब नहीं आया, गुड भावना बेटा, मुझे नहीं पता चल रहा आपका कुछ इस टाइप के साइन आ रहे हैं, मुझे पता नहीं आपका कौन सा हुआ ये लैंग्वेज ये आ रहा है आपका, मुझे नहीं पता, अपना थोड़ा फॉन्ट सब ठीक करें इसका। यस गुड, चलें फिर अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट चीज की, जो है इसका सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या चीज मेनली होती है, अगर हम हर्ड मानिया के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज पेरिकार्डियम, सेकेंड इज मस्क्यूलर हार्ट, एंड थर्ड इज एंडोथेलियल ब्लड वेसल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। हम इसको क्या करते हैं, अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज पेरिकार्डियम, मस्क्यूलर हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। देखिए स्टार्टिंग में मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी एक हार्ट है, मैं अपने भी बात करूं अगर ह्यूमंस में भी, तो हार्ट के ऊपर एक क्या पाया जाता है, कवरिंग पाई जाती है ना, कवरिंग पाई जाती है ना, और उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। तो
कल भी मैंने शायद आप लोगों को बताया था, कार्डियामीन क्या चीज होता है? कार्डियामीन होता है हार्ट। पेरी, पेरी मीन एक ऐसा एक कवरिंग जो किसी चीज को कवर करती है। तो यहाँ पर अगर कार्डियम की बात कर रहे हैं, मतलब हार्ट की बात कर रहे हैं, तो हार्ट के चारों तरफ जो एक कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। नेक्स्ट हार्ट एंड थर्ड इज ब्लड वेसल्स। तो चलें देख लेते हैं इसका डायग्राम। हाँ भाई, हाँ सर, अभी हाँ भाई, तो हम बात कर रहे हैं आपके हर्ड मानियर में सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड किए थे, पेरिकार्डियम, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, यहाँ पे ये जो डायग्राम बना है देखिए, ये जो अंदर का पार्ट है दिस इज द हार्ट ऑफ हर्ड मानिया। ठीक है, इसके ऊपर ये जो एक लेयर दिख रही है आपको, ठीक है, जो कवरिंग है इसे क्या होता है, दिस इज अ पेरिकार्डियम। और इसमें से कुछ नर्व्स जो हैं जो पूरी होल बॉडी में जाएंगी वो सब इसमें आएगा, ब्लड वेसल्स में जाएगा। ठीक है, तो देखने में ही पता चल रहा है कि यहाँ पर ये जो पेरिकार्डियम है क्लास, ठीक है, किस उसमें होगी फॉर्म में, ये ट्यूबुलर फॉर्म में होती है। ठीक है, तो एक काम करते हैं इससे पहले कि हम अच्छे से, कल बताएंगे फिर। ठीक है, आज की मीटिंग में बस इतना ही क्लास, बाकी